नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओरिजिनल ज्ञान में। आज मैं बातचीत करने वाला हूं ड्राइवर कैसे बने, इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ में इस सतना बस के ड्राइवर हैं, इनसे हम पूछेंगे आखिर ये ड्राइवर कैसे बने, कितना संघर्ष करना पड़ता है ड्राइवर बनने के लिए। तो वीडियो में बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन करते हैं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम आ गए हैं बस के अंदर। बस के अंदर हम इस ड्राइवर से बातचीत करने वाले हैं। ये काफ़ी पुराने और काफ़ी अनुभवी ड्राइवर हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। ये आपको बताएंगे ड्राइवर कैसे बने, कितना मेहनत करना पड़ता है। तो भाई साहब, पहले आप अपना परिचय दें, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है? मैं पन्ना का रहने वाला हूँ, मेरा नाम है मुन्ना पाल। जी, ड्राइवर कैसे बने आप? ड्राइवर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। क्या क्या करना पड़ता है? ड्राइवर की हर बात माननी पड़ती है, गाड़ी का देखना पड़ता है क्या टूट फूट है, क्या कैसा है, ध्यान दिया जाता है बहुत ज़्यादा। जब ड्राइवर देखता है कि अच्छे से ध्यान दे रहा है तो गाड़ी देता है चलाने को, गलती करो तो डांटता है, डांटने के साथ साथ सीख मिलती है कि गलत किया आपने। कितना समय लग गया आपको सीखने में? एक साल दो महीने तक करीब। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या क्या करना पड़ा? स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ी, गाड़ी ढोना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। अच्छा, गाड़ी का ऑयल पानी से लेकर हर चीज़ देखना पड़ता है। अच्छा, तो ड्राइवरी किसने दिलवाया आपको? ड्राइवरी मेरे उस्ताद ने, मेरे गुरु ने दिलवाया। क्या नाम है उनका? मेरे गुरु का नाम है राजेंद्र। कहाँ से हैं? राजापुर से हैं, पन्ना। अच्छा अच्छा, कितने साल हो गए आपको सीखे? हमको सीखे हो गया 4-5 साल। कहाँ कहाँ गाड़ी चलाए आप? पन्ना, पटना और भी बहुत दूर दूर तक हुआ है, झांसी, डटिया, ग्वालियर। इसका लाइसेंस कितने दिनों में बन जाता है, कैसा लाइसेंस होता है? इसका लाइसेंस 18 साल की उम्र में बनता है, छोटा बैच 4-व्हीलर का। अच्छा। उसके बाद 20 साल उम्र हो जाती है, लाइसेंस 1 साल पुराना हो जाए इसके बाद हैवी बैच बनता है, जो कोई भी गाड़ी चला सकते है। अच्छा, बैच होता है इसका? मिलता है काम का। अच्छा, रखे हैं आप अभी? हाँ रखे हैं। दिखाओ थोड़ी, आपका लाइसेंस कहाँ है? ये रहा हमारा लाइसेंस, इधर दिखाएं थोड़ी। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इनका ये लाइसेंस है, बिल्कुल पास से कैमरा करके थोड़ी दिखाएं, क्लियर दिख रहा है? ये है इनका लाइसेंस। अच्छा, इसके साथ में बैच भी मिलता होगा ना बिल्ला? अच्छा, बैच भी मिलता है? बैच भी मिलता है, पीतल का सिक्का रहता है। वो कहाँ रखे हैं? वो घर पे रखे हैं। अच्छा, जब जरूरत पड़ती है जब ले आते हैं। हाँ। तो क्या सैलरी है आपकी? सैलरी हमारी अभी तो चक्कर के हिसाब से फिलहाल में 14-15 हज़ार रहती है। अच्छा, 14-15 हज़ार की लगभग आपकी। आप खुश हैं अपनी ड्यूटी से? हाँ खुशी है। हाँ। और मज़ा आता है? मज़ा ही आता है, बाकी तो ऐसा है लोगों को जितना मिल जाए उतना भी कम पड़ता है। अच्छा, फिर भी बहुत है। तो एक चीज़ आप बताओ कि जैसे कोई नया लड़का ड्राइवर बनना चाहे तो कैसे क्या करेगा शुरुआत में? शुरुआत में जैसा मैंने बताया कि अभी मेहनत करनी होगी, ध्यान देना होगा, जितना ज़्यादा ध्यान देगा, जितने अच्छे से देखभाल करेगा उतना मैं खुश रहूँगा, मैं उसको जल्दी सिखाऊँगा, मेरी बात सुनेगा, जल्दी बनाऊँगा, ध्यान देगा तो बनाऊँगा जल्दी, नहीं तो उसको पहले तो सिखाऊँगा, इसके बाद गाड़ी में बैठने दूँगा, गाड़ी चलवाऊँगा, ज़्यादा गलती करेगा तो डांटूँगा और क्या। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल ओरिजिनल ज्ञान को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बगल में दी हुई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बनाते रहता हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।